वेलकम बैक टू द वीडियो। आजकल जब भी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको एक पॉपअप आ रहा होगा क्रिएट कोलैबोरेटिव कलेक्शन या क्रिएट कलेक्शन सेव टू कलेक्शन ये, एंड इससे रिलेटेड मुझे डीएम्स भी आ रहे हैं काफी कि भाई क्या है ये, कैसे करना है, इसका हटेगा नहीं हटेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं है क्या एंड इसके थोड़े बहुत बेनिफिट भी है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है या इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि कोलैबोरेटिव कलेक्शन या पोस्ट कलेक्शन है क्या एंड उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ। ये रहा इंस्टाग्राम एंड यहाँ पे एक नॉर्मल जैसे आप वो करते हो मतलब स्क्रॉल करते हो एंड ये पोस्ट हो या रील हो दोनों के लिए आ रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का निकल के आ जाता है, सेव पोस्ट विद फ्रेंड। ओके एंड ये है क्या, पहले मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ, ट्राई इट करके देख लेते हैं। अब ये कलेक्शन का नाम रखने को बोलेगा एंड अगर आपका टर्न ऑफ है तो इसको टर्न ऑन कर लेना। अब यहाँ पे आपको कलेक्शन का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ डेमो। ओके, तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ एंड कलेक्शन हो गया। अब नीचे आपको सर्च करना है किसके साथ करना है ये, तो मैं कर लेता हूँ ये अपकमिंग वर्ल्ड डेमो के साथ, डन। या और एक और कर लेता हूँ आपके साथ साथ ही, अपकमिंग वर्ल्ड 2-3 पे भी करके देख लेते हैं, देयर इट इज, ये रहा। ओके डन, मैंने दोनों के साथ कर लिया है एंड ऊपर आपको एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसे कर देना है सेव। ओके एंड कलेक्शन सेव हो गया, अब व्यू करके देख लेते हैं, ये एक हो गया कलेक्शन। ओके डेमो में आपको दिख रहा होगा सेव्ड। अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते हैं, हम कुछ भी सेव करते रहते हैं है ना, क्योंकि हमें देखना है वो। अब ये जो सेव्ड कलेक्शन है हम चाहते हैं कि यार ये हमारे फ्रेंड भी देख ले, हम अपने फ्रेंड को अलाउ कर सकते हैं कि देख मैंने क्या क्या सेव कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर चैट में आके जिसके साथ भी मैंने सेव किया एक तरह का ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो इस कलेक्शन को देख सकते हैं। आप अगर नहीं करना चाहते कोई और पोस्ट जैसे आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेव कर लो आप, ओके एंड इसको बंद करो, सिंपल सेव हो जाएगा, प्राइवेट सेव हो गया। कोई भी पोस्ट है जैसे इसको इसको सेव करना है तो यहां से सिंपल सेव करो, ओके एंड सेव प्राइवेट, इसी पे टैप करो बस, सेव सेव प्राइवेट नथिंग। अगर आपको दूसरा कलेक्शन क्रिएट करना है तो न्यू कलेक्शन पे टैप करो, डेमो ऑलरेडी है। आप चाहते हो कि जैसे आपका एक ग्रुप है, आपको टैग का बहुत शौक है और आपके दोस्तों को भी टैग का शौक है, आपने एक ग्रुप बना लिया, एक तरह का एक ग्रुप बन गया। अब आप जितनी भी रील स्क्रॉल कर रहे हो और आपको लगता है कि आगे हमें ऐसी रील क्रिएट करनी चाहिए या ये रील अच्छी लग रही है, तो आपको उसे इंस्टेड ऑफ एक एक को शेयर करने के अलावा आप उस कलेक्शन में डाल दो, वो वहां रहेगी भी और जैसे ही सेव होगी उनको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, उन दो दोस्तों को, यानी कि एक तरह का ग्रुप है। ओके प्लेलिस्ट है एंड प्लेलिस्ट में आपके फ्रेंड्स ऐड है एंड वहां पे आप जो भी चीज सेव करोगे उनको भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो उसे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जैसे वो कुछ सेव करते हैं तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस कलेक्शन में कुछ सेव हुआ है तो आप भी देख सकते हो। तो इस तरह आप एक ग्रुप यानी कि एक कलेक्शन बना सकते हो, काइंड ऑफ प्लेलिस्ट बना सकते हो जिसमें आप सेम जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, उनको बार बार अलग अलग शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया कलेक्शन। अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बता देता हूँ। आप एक कलेक्शन में अप टू 250 लोगों को ऐड कर सकते हो, उसके साथ साथ कलेक्शन से अगर कोई भी चीज डिलीट करता है, फॉर एग्जांपल मैं, हम चार लोग हैं, चार लोगों में से मैंने कलेक्शन में चाहे किसी ने भी वो सेव किया मैं उसको डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। ये नहीं है कि जिसने शेयर किया सिर्फ वही डिलीट कर सकता है, नहीं, मैं डिलीट करना चाहूंगा मुझे नहीं पसंद आ रही तो डिलीट हो जाएगी, बट उनको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा क्योंकि कलेक्शन से ही वो डिलीट हुई है। आपने देखा होगा गूगल जो फोटोज है वहां पे हम शेयर्ड कर देते हैं कि इसमें हमने इन इन लोगों को अलाउ कर रखा है, ये एडिट भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं, सेम वही है। हम एक कलेक्शन बना देंगे में हमने लोगों को अलाउ कर दिया कि आप इसको देख भी सकते हो डिलीट भी कर सकते हो, तो बस यही है, एक तरह का प्लेलिस्ट आपने बना लिया एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 250 लोग ऐड होंगे, कोई भी डिलीट कर सकता है। हाँ, जैसे मैंने कोई रील शेयर करी है एंड वो किसी और ने बनाई है, अगर जिसने वो रील बनाई है जो ऑनर उस रील का, अगर वो उसे डिलीट कर देता है तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। एंड ये जो कोलैबोरेटिव कलेक्शन है इसे कोई भी डिलीट कर सकता है, कभी भी डिलीट कर सकते हैं पूरे कलेक्शन को, चाहे वो किसी ने भी बनाई है। तो दिस इज हाउ अ कोलैबोरेटिव कलेक्शन या पोस्ट कलेक्शन वर्क्स, मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आपको पता भी चल गया होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी है तो कमेंट बॉक्स में येस या नो जरूर लिख देना, नो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उसी के साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।